नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय देश जो है बहुत ही दुखद समय से गुजर रहा है। आप सभी ने देखा होगा कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको लेके बहुत सारी आपने देखा होगा न्यूज़ में, इतनी सारी वो दिखाई जा रही कि आपका आपका भी मन थोड़ा विख्यात हो सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो बनाने बिल्कुल मन था मन नहीं था, मैंने बस देखा कि एक न्यूज़ आई है जो हमने सोचा आपको दिखा दें, क्योंकि आपके आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है दोस्तों, अभी दिखा देता हूँ कि आपके जो रिजल्ट से लेके बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे आपके जो NDTV इंडिया ने बता दिया है कि आपका रिजल्ट कब जारी होने वाला है। ठीक है, यूपी पुलिस रिजल्ट 2019 किसी भी समय जारी हो सकता है आपका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, आपका रिजल्ट आज क्या अभी 1-1.5 घंटे बाद ही जारी हो सकता है, कोई उम्मीद नहीं है। मतलब ये अनसर्टिफाइड है कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा। ये भी हो सकता है 1 घंटे में आ जाए, कि ये भी हो सकता है कल आ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए पूरी जानकारी आपको बता दें। UPPRB के जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा। UPBP के एक अधिकारी ने NDTV को बताया, कांस्टेबल का रिजल्ट इस महीने जल्दी जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। बता दें कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, तो ऐसे में उम्मीदवार UPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर UPPBP.gov.in पर रेगुलर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो भर्ती परीक्षा हुई थी 27-28 जनवरी को, उसका रिजल्ट जो है वो कभी भी जारी हो सकता है। तो आपको बता दें, यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया है कि आपका रिजल्ट आपको रेगुलर चेक करना होगा आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है, जैसे रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको हम बता देंगे। आपको करना क्या होगा, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब कलर का उस पर लाल कलर का बटन होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो उसके बगल में बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा हम आप तक वीडियो पहुँचा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी इजाजत चाहूँगा, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।